नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश आप सबका स्वागत करता हूं क्रिएटिव लर्निंग के चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एमएस वर्ड के जो पहला टैब होता है वो होता है आपका होम टैब, जिससे कि आप काफ़ी अपने पेज की सेटिंग कर सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टैब है अगर आप एमएस वर्ड सीखना चाहते हैं। दोस्तों, ये वीडियो होगी 40 मिनट्स की, मतलब कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, कोई भी टाइम का बैरियर नहीं है, जिससे कि आपको कोई भी ऑप्शंस मिस हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है हर एक ऑप्शंस के बारे में और हर एक शॉर्टकट कीज़ के बारे में होम टैब की, ताकि आपके सारे ऑप्शंस क्लियर हो जाए होम टैब के बारे में। तो दोस्तों, पूरी वीडियो देखना और अपने टाइम से सिर्फ 40 मिनट्स निकाल लेना, क्योंकि अगर आप सीखना चाहते हैं एमएस वर्ड तो होम टैब सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि कंप्यूटर रिलेटेड एंड मोबाइल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस चैनल में आपको रेगुलरली मिलती रहती है। तो आइए दोस्तों, लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे देखिए ओपन कर लिया है अपना एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ होम टैब के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टैब है एमएस वर्ड में। अगर आपने ये टैब सीख लिया तो मतलब आपने एमएस वर्ड सीखने की शुरुआत कर ली और आप अपने पेज की सेटिंग और भी अच्छे ढंग से करना शुरू हो जाएंगे। मतलब आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि आपने पेज को और भी अट्रैक्टिव कैसे बनाना है और साथ ही में आपने अलाइनमेंट्स कैसे करनी है और भी बेसिक फंक्शंस जो होम टैब में दिए रहते हैं वो सारे की आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, होम टैब समझने से पहले आपको समझना ज़रूरी है कि टैब्स क्या होते हैं। अब टैब्स देखिए, यहाँ पे जब हम एमएस वर्ड की विंडो ओपन करेंगे यहाँ पे देखिए टैब्स आपको नज़र आ जाएंगे। पहले वाला देखिए ये होता है होम टैब। इसी ढंग से आगे देखिए टैब्स ये होते हैं इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, डिज़ाइन टैब। वैसे लेआउट का है रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू और हेल्प। तो ये सारे आपके टैब्स यहाँ पे दिए होते हैं, जिसमें देखिए अलग अलग ऑप्शंस होते हैं जिनको एक्सेस करके हम अपनी एमएस वर्ड की फाइल की सेटिंग या पेज की सेटिंग और भी अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो आइए समझ लेते हैं होम टैब के बारे में। तो देखिए, हमने यहाँ पे होम टैब पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। लेकिन एक चीज़ आप देखेंगे यहाँ पे होम टैब में, यहाँ पे देखिए नीचे लिखा रहा है फॉन्ट है और ये है पैराग्राफ। मतलब देखिए हर जगह यहाँ पे ये स्टाइल्स है, ठीक है, और ये आपका क्लिपबोर्ड है। मतलब ये सारे आपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, ठीक है, मतलब हर सेक्शन का एक अलग ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें अलग अलग ऑप्शंस कैटेगराइज करे गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका फॉन्ट का ग्रुप है जिसके अंदर आपके फॉन्ट्स के ऑप्शंस हैं, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ये सारे फॉन्ट से रिलेटेड ऑप्शंस हैं जो ग्रुप करे गए हैं फॉन्ट के ग्रुप में। वैसे पैराग्राफ से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे ग्रुप करे गए हैं और साथ ही में यहाँ पे स्टाइल्स से रिलेटेड भी जितने भी ऑप्शंस हैं, मतलब अगर आपने अपने एमएस वर्ड में अलग अलग स्टाइल्स अप्लाई करना है तो वो भी आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे एडिटिंग के यहाँ पे ग्रुप हैं और जो है यहाँ पे फर्स्ट में ही है वो है हमारा क्लिपबोर्ड का, जिसमें भी अलग अलग ऑप्शंस ग्रुप किए गए हैं। तो बारी बारी से हम हर ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे और हर ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे कि इन ऑप्शंस का क्या मतलब होता है। तो इसको समझाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। तो वैसे टाइप करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम यूज़ कर लेते हैं एक फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे इक्वल टू, ठीक है, और उसके बाद हम लिख लेते हैं यहाँ पे आर ए एन डी, ठीक है, और उसके बाद ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, मतलब हम शिफ्ट के साथ 9 प्रेस करेंगे और 0 प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ, और जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ पैराग्राफ यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पैराग्राफ इंसर्ट हो गए हैं, मतलब कुछ टेक्स्ट यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। तो आइए अब देखते हैं फॉन्ट टैब की मदद से हम इसको और भी अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं और इसकी सेटिंग कैसे कर सकते हैं। अब देखिए फॉन्ट जो आपका ग्रुप है इसके अंदर देखिए फर्स्ट ऑप्शन होता है आपका फॉन्ट स्टाइल का, मतलब फॉन्ट आप कौन सा फॉन्ट रखना चाहते हैं अपने टेक्स्ट में। तो उसको सिलेक्ट करने से पहले आपको अपना फॉन्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो फॉन्ट सिलेक्ट करने के लिए देखिए आपने क्या करना है, अपना जो कर्सर है जहाँ से भी आपने फॉन्ट सिलेक्ट करना है वहाँ पे लेके जाना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लेके गया हूँ, और उसके बाद क्लिक करके ड्रैग करना है, ठीक है, मतलब आपने अपने माउस का लेफ्ट क्लिक करना है और उसको ड्रैग कर लेना है, तो आपका पूरा यहाँ पे टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा जो भी आप चाहते हैं। वैसे ही आप शॉर्टकट की मदद से भी ये वाली सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आपने देखिए शॉर्टकट की मदद से सिलेक्शन करनी है तो आपने क्या करना है, शिफ्ट के साथ कंट्रोल बटन प्रेस करना है, लेकिन इसको प्रेस करने से पहले आपने अपनी कर्सर की पोजीशन सेट कर लेनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपने यहाँ से सिलेक्शन करनी है तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद शिफ्ट के साथ कंट्रोल प्रेस करके आपने अपनी एरो की मदद से ये सिलेक्शन कर सकते हैं। वैसे मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है सिलेक्शन की कि आप अपने टेक्स्ट को क्विकली और बहुत ही जल्दी कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं आई आइकन पे क्लिक करके या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। तो जब आपकी यहाँ पे देखिए सिलेक्शन हो जाएगी, इसके बाद यहाँ पे आप फॉन्ट में जाएंगे और यहाँ से आप अपना फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं।
लेट्स से मैं यहाँ पे देखिए फॉन्ट स्टाइल यहाँ पे ये वाला रख लेता हूँ। वैसे अगर आपने कुछ और रखना है तो नीचे जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली आपको साइड में देखिए प्रीव्यू भी दिखता रहेगा कि जो आप फॉन्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं वो फॉन्ट आपको साइड में कैसा दिख रहा है। फिलहाल मुझे जो फॉन्ट अच्छा लग रहा है ये वाला है तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे आपका यहाँ पे फॉन्ट चेंज हो गया है। वैसे फॉन्ट के साथ ही अगला ऑप्शन होता है यहाँ पे फॉन्ट साइज का, कि अगर आपने फॉन्ट को बड़ा या छोटा करना है, मतलब फॉन्ट साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे अभी फॉन्ट साइज है हमारा 11, अगर आपको 12 चाहिए तो 12 पे सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे 14 चाहिए या बढ़ा के जितना आपको फॉन्ट चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे देखिए 72 तक होता है, अगर आपको ज़्यादा फॉन्ट चाहिए 72 से भी ऊपर तो यहाँ पे आप ये 11 को हटा के, मतलब बैक स्पेस हटा के यहाँ पे अगर आपको चाहिए 120 तो 120 टाइप करके, ठीक है, तो वो वाला फॉन्ट साइज भी सेट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कितना बड़ा यहाँ पे फॉन्ट आ गया है। फिलहाल जब मैं इसका फॉन्ट साइज सेट कर लेता हूँ वो रख लेता हूँ यहाँ पे 14, ठीक है। तो इस ढंग से भी आप फॉन्ट साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। उसी ढंग से देखिए एक ऑप्शन और दिया होता है कि अगर आपने ये वाला ऑप्शन यूज़ नहीं करना तो इस ऑप्शन से भी आप फॉन्ट साइज अपना इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। लेट्स से अगर आपने अपना फॉन्ट इंक्रीज करना है तो आप देखिए ये वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो फॉन्ट साइज देखिए क्या होगा, बढ़ गया, ठीक है, मतलब इंक्रीज हो गया। वैसे अगर आप देखिए नेक्स्ट ऑप्शन का यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा, फॉन्ट साइज आपका यहाँ पे देखिए कम हो जाएगा, ठीक है। इस ऑप्शन से देखिए इंक्रीज हो गया और इस ऑप्शन से देखिए कम हो गया। अब इसको आप शॉर्टकट की मदद से भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इस ट्यूटोरियल में मैं आपको साथ में ऑप्शंस के साथ साथ शॉर्टकट कीज भी बताता जा रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल परफेक्ट हो जाए होम टैब के बारे में और आपको कोई भी दिक्कत ना है, ठीक है। तो अब अगर आपने देखिए इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है शॉर्टकट की मदद से तो आपने क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करके जो क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट है इसको मतलब प्रेस करना है बार बार, तो इससे क्या होगा आपका फॉन्ट साइज यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। वैसे अगर आपने यहाँ पे फॉन्ट साइज अपना डिक्रीज करना है तो डिक्रीज भी कर सकते हैं, तो उसके लिए आपने कंट्रोल प्रेस करके क्लोज जो आपका ओपन कर्ली ब्रैकेट होता है उसको आपने बार बार प्रेस करना है तो आपका फॉन्ट साइज डिक्रीज हो जाएगा। तो इन कर्ली ब्रैकेट की मदद से आप शॉर्टकट की मदद से ये फॉन्ट साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन देखिए क्या होता है, ये होता है आपका चेंज केस। अब चेंज केस का क्या मतलब होता है, अब सबसे पहले इसको समझाने से पहले अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे चेंज केस में 5 ऑप्शंस आ रहे हैं। एक है आपका सेंटेंस केस, दूसरा है लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। तो आइए बारी बारी से इन ऑप्शंस के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ आपको सेंटेंस केस। अब देखिए एक सेंटेंस जब हम वर्ड में लिखते हैं तो क्या होता है कि मतलब देखिए फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल होता है, कैपिटल होने के बाद हमारा ये पूरा सेंटेंस हम यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं जब तक हमारा फुल स्टॉप नहीं आता। तो जैसे ही हमारा फुल स्टॉप होता है तो नेक्स्ट लेटर अगेन हमारा कैपिटल शुरू हो जाता है। तो इस ढंग से होता है हमारा सेंटेंस। अगर आप इस ढंग से अपनी फॉर्मेटिंग चाहते हैं सेंटेंस की तो आप यहाँ से सेंटेंस केस सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल ये बाई डिफ़ॉल्ट ये सेंटेंस केस में ही टाइप हुआ हुआ है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो आपका केस है वो लोअर केस हो जाए, मतलब जैसे कि ये देखिए टू लिखा है यहाँ पे टी कैपिटल में है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टी कैपिटल में है, अगर आप चाहते हैं कि जितना भी टेक्स्ट जहाँ जहाँ कैपिटल में है वो स्मॉल में हो जाए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है जिसका भी चेंज केस आप करना चाहते हैं, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे लोअर केस है, तो लोअर केस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जितने भी वर्ड्स थे वो हमारे कैपिटल में हो गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टू था तो टू हमारा टी हमारा स्मॉल में हो गया है। वैसे देखिए अगला केस होता है आपका अपर केस, तो अपर केस का मतलब क्या होता है कि जितने भी वर्ड्स हैं वो कैपिटल में आ जाएंगे, ठीक है, तो इस ढंग से आप कैपिटल भी कर सकते हैं जितने भी वर्ड्स अगर आप चाहे तो। और उसी ढंग से जो नेक्स्ट केस होता है आपका कैपिटलाइज ईच वर्ड, अब इसका मतलब क्या होता है ये भी देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है और इसकी मदद से भी आप काफ़ी अच्छे ढंग से और क्विकली फॉर्मेटिंग कर पाएंगे अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट की। क्योंकि कई बार हमें क्या होता है कि जब हम टेक्स्ट टाइप करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा जो हर वर्ड है टेक्स्ट का वो पहला वर्ड कैपिटल में आ जाए, तो आप कैपिटलाइज केस की मदद से आप ये कर सकते हैं, मतलब कैपिटलाइज ईच वर्ड की मदद से, ठीक है। तो आप देखेंगे जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हर वर्ड जो आपका फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल में आ गया, बाकी हमारा स्मॉल आ गया। अब इसका ऑपोजिट भी आप कर सकते हैं। अब इसका ऑपोजिट करने के लिए देखिए चेंज केस पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन होता है आपका टॉगल केस। अब जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, कैपिटलाइज ईच वर्ड का बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट लेटर आपका स्मॉल में बाकी सारा कैपिटल में। तो इस ढंग से आप अपनी केसेस यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट तरीका जिसकी मदद से आप चेंज केस कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका होता है कि अगर आपने चेंज केस चेंज करना है शॉर्टकट की मदद से, तो सबसे पहले तो आपने देखिए टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेना है। टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद आपने अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है Shift+F3।
तो शिफ्ट प्लस F3 आप जैसे देखिए प्रेस करेंगे तो देखिए ये वाले जो आपका सेंटेंस है उसके केसेस चेंज होने शुरू हो गए हैं। तो इस ढंग से भी आप केसेस चेंज कर सकते हैं अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट का। अब देखिए अगला वर्ड होता है हमारा, जो अगला ऑप्शन होता है हमारा वो होता है हमारा बोल्ड का। मतलब देखिए आप यहाँ पे बी लिखा है तो इसका मतलब होता है बोल्ड, और बोल्ड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल बी। ठीक है, अब आपने देखिए आप चाहते हैं कि जो आपका टेक्स्ट है ठीक है उसका आपका टेक्स्ट बोल्ड में हो। अब लेट से हम यहाँ पे अगर मैं इसकी हेडिंग लिख लेता हूँ टेक्स्ट की, ठीक है लेट से मैं लिख लेता हूँ दिस इज़ कंप्यूटर, ओके दिस इज़ कंप्यूटर, तो हमने यहाँ पे हेडिंग लिख ली। अब हम चाहते हैं कि ये वाली हेडिंग हमारी बोल्ड में आ जाए, तो इसके लिए मैंने क्या किया सिलेक्ट कर लिया अपना टेक्स्ट। तो आप माउस की मदद से भी टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं या आप अपनी शॉर्टकट की जो मैंने बताया था आपको एरो की मदद से भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने इसको बोल्ड करना है तो इस बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो देखिए टेक्स्ट हमारा बोल्ड हो जाएगा। वैसे ही अगर आप शॉर्टकट की से करेंगे तो कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो देखिए बोल्ड हट जाएगा, और अगर आप दोबारा कंट्रोल बी प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से तो दोबारा बोल्ड यहाँ पे आ जाएगा। उसी ढंग से अगर आप टेक्स्ट को इटैलिक चाहते हैं तो इस पे देखिए इटैलिक हो जाएगा, और अगर आप टेक्स्ट को अंडरलाइन चाहते हैं तो ये टेक्स्ट हमारा अंडरलाइन भी हो जाएगा। तो इस ढंग से आप बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन को यूज़ कर सकते हैं। वैसे देखिए बोल्ड की शॉर्टकट की होती है हमारी कंट्रोल बी, इटैलिक की होती है कंट्रोल आई, और अंडरलाइन की क्या होती है कंट्रोल यू। तो इन शॉर्टकट की मदद से भी आप अपने टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है, फिलहाल मैं इसको यहाँ से अंडरलाइन हटा देता हूँ तो मैं अंडरलाइन पे अनचेक कर देता हूँ। अब एक चीज़ और बता दूँ, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन होता है अंडरलाइन के ऊपर, देखिए आगे एरो की होती है, जैसे आप इस एरो की पे जाएंगे तो देखिए आपको अंडरलाइन के काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। मतलब जैसे अंडरलाइन चाहते हैं वैसे अंडरलाइन आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो उसको लगाने के लिए देखिए क्या होगा, हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और अंडरलाइन के आगे देखिए एरो की होती है, एरो की प्रेस करने के बाद आप यहाँ से जो भी अंडरलाइन, लेट से हम यहाँ पे ये वाली डॉटेड वाली अंडरलाइन लगाना चाहते हैं तो आप देखेंगे इस टेक्स्ट के नीचे डॉटेड वाली अंडरलाइन लग गई। तो इस ढंग से भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। आई होप आपको पता लग गया हो इन ऑप्शंस के बारे में। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन होता है आपका स्ट्राइक थ्रू का। अब देखिए यहाँ पे जो सिंबल बना हुआ है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ABC और बीच में देखिए दो लाइनें हैं। मतलब अगर आप किसी टेक्स्ट को कट की फॉर्म में, मतलब आप चाहते हैं कि इसमें बिल्कुल लाइन बनी नज़र आ जाए बीच में, तो वो भी आप कर सकते हैं स्ट्राइक थ्रू की मदद से। तो इसको यूज़ करना बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले अगेन आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, अब आप चाहते हैं कि इसमें कट का निशान आ जाए, तो इसके लिए आपने क्या करना है यहाँ पर देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखें ये वाली लाइन हमारी कट हो गई, मतलब स्ट्राइक थ्रू हो गई। ठीक है, अब इसकी मैंने ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है सेपरेटली कि आप स्ट्राइक थ्रू किन किन मेथड से कर सकते हैं और शॉर्टकट की मदद से आप स्ट्राइक थ्रू कैसे कर सकते हैं। अगेन मैं लिंक दे दूंगा आई आइकन में, तो वो वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता दूं, देखिए अभी तो क्या हुआ कि हमने स्ट्राइक थ्रू करी, इसके बीच में आई सिंगल लाइन। अगर आप चाहते कि डबल लाइन आ जाए, मतलब डबल स्ट्राइक थ्रू आ जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपने अपने कीबोर्ड से सबसे पहले आपने अपने टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेना है। टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद अब आपने अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल डी। तो जैसे कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो देखिए फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू है तो इसको हम कर देते हैं अनचेक, और जो हमारा डबल स्ट्राइक थ्रू हम चाहते हैं कि डबल लाइन आ जाए तो इस पर कर देंगे टिक और प्रेस कर देंगे ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पे डबल स्ट्राइक थ्रू भी यहाँ पे आ गया है। वैसे ही अगर आपने इसको हटाना हो तो इसको हटा भी सकते हैं, लेकिन इस बार मैं आपको बता देता हूँ शॉर्टकट तरीका। अब शॉर्टकट तरीके के लिए क्या करना है आपने सबसे अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट करने के बाद आपने प्रेस करना है कंट्रोल डी। तो जैसे कंट्रोल डी प्रेस करेंगे फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब आपने डबल स्ट्राइक थ्रू हटाना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल स्ट्राइक थ्रू के आगे देखिए एल के नीचे यहाँ पे देखिए लाइन आपको बनी नजर आ जाएगी, तो इसके लिए आपने प्रेस करना है ऑल्ट एल। तो आप देखेंगे यहाँ से डबल स्ट्राइक थ्रू हट गया, ठीक है, और प्रेस कर लेना एंटर तो आप यहाँ से स्ट्राइक थ्रू हटा सकते हैं। तो इस ढंग से आप स्ट्राइक थ्रू का यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहे तो, अगर आपने टेक्स्ट के बीच में लाइन डालनी है। अब नेक्स्ट होता है ऑप्शन, ये होता है आपका सबस्क्रिप्ट का और ये होता है आपका सुपर स्क्रिप्ट का। तो आइए इन दोनों ऑप्शंस के बारे में भी समझ लेते हैं। अब लेट से अगर हम चाहे इसको समझने के लिए, अगर कई बार हमें क्या होता है कि कोई फॉर्मूला वगैरह लिखना होता है केमिस्ट्री का या कुछ और, तो वो हम इस मेथड से लिख सकते हैं। अब लेट से अगर हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है, लेट से H2SO2, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जो 2 है ये नीचे आ जाए H के, ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे सबस्क्रिप्ट का। तो इसके लिए क्या किया, हमने 2 को सिलेक्ट किया, ठीक है, 2 को सिलेक्ट करने के बाद इस सबस्क्रिप्ट पे क्लिक किया, ठीक है, जैसे देखिए हम यहाँ पे गए इस सबस्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक किया तो आप देखेंगे 2 हमारा नीचे आ गया। सिमिलरली हम इसको भी, हमने 2 को सिलेक्ट किया सबस्क्रिप्ट पे क्लिक किया
तो अगेन यहाँ पे टू इसी फॉर्म में आ गया, मतलब सब्सक्रिप्ट की फॉर्म में आ गया, मतलब एसओ टू के नीचे चला गया। अब अगेन हम इसको चाहते हैं कि नॉर्मल पोजीशन में आए, तो अगेन हम यहाँ पे टू पे सिलेक्ट करके इसको क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल पोजीशन में भी आ जाएगा। दोबारा क्लिक करेंगे तो दोबारा उसी पोजीशन पे आ जाएगा। इसको आप शॉर्टकट तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो सब्सक्रिप्ट के जो शॉर्टकट तरीका होता है वो होता है आपका कंट्रोल प्लस इक्वल टू। तो कंट्रोल प्लस इक्वल टू से देखिए नॉर्मल आ गया, तो अगेन हम प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस इक्वल टू तो ये हमारा बिल्कुल सब्सक्रिप्ट की फॉर्म में आ गया है। तो अब हम चाहते हैं कि जो दोनों टू है ये एक साथ हमारी नॉर्मल पोजीशन में आ जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों टू को सिलेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट क्लिक करके ये वाला टू यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, और इस बार हम कंट्रोल प्रेस करके ये वाला टू भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देखेंगे दोनों टू हमारे एक साथ सिलेक्ट हो गए हैं, और इस बार हम प्रेस कर लेते हैं कंट्रोल प्लस इक्वल टू, तो आप देखेंगे यहाँ पे दोनों टू हमारे नॉर्मल फॉर्म में आ गए हैं। अब कई बार देखिए हमें फॉर्मूला लिखना होता है लेट से 2 raised to power 2। अब क्या हुआ, ये 2 हमारा ऊपर जाना है, मतलब इसकी पावर में जाना है, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे सुपरस्क्रिप्ट। तो सुपरस्क्रिप्ट का क्या मतलब हुआ कि हमने देखिए 2 यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है आपके सुपरस्क्रिप्ट का, इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला जो टेक्स्ट है मतलब ये ऊपर चला गया इसके, मतलब 2 raised to power 2 हो गया है, ठीक है। वैसे अगर आपने इसको नॉर्मल पोजिशन में लाना है तो वो भी आप ला सकते हैं। तो अगेन आपने यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करना है तो 2 हमारा नॉर्मल पोजीशन में आ गया है। अब अगेन इसकी शॉर्टकट तरीका क्या होता है, इस बार आपने प्रेस करना है कंट्रोल के साथ शिफ्ट बटन और यहाँ पे इक्वल टू साइन, तो ये हो गया सब सुपरस्क्रिप्ट, और अगेन प्रेस करेंगे तो ये हो गया हमारा नॉर्मल पोजीशन। अब अगेन मैंने इसकी डिटेल में वीडियो बनाई भी है तो वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आपने सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट को डिटेल में समझना है, ठीक है। तो उसका लिंक भी मैं दे दूंगा आई आइकन में, साथ ही मैं लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, तो वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, जब आप इस पे कर्सर लेके जाएंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा रहा है टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी, मतलब अगर आपने टेक्स्ट में इफेक्ट्स देने हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। अब लेट से हमने ये वाला जो टेक्स्ट है जो हमने ये लिखा था इसमें हम इफेक्ट्स देना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट यहाँ पे इफेक्ट्स है या कलर्स है जो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट से हम ये वाला कलर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम ये कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आपका देखिए टेक्स्ट उसी कलर में और उसी फॉन्ट में आ गया है, है ना सुंदर बात, कि कितना अच्छा लग रहा है ये वाला टेक्स्ट। इसी ढंग से आप और भी इफेक्ट्स यहाँ पे दे सकते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे अगर आपने आउटलाइन देनी है तो आउटलाइन भी दे सकते हैं अगर आप चाहे तो, और साथ ही में अगर आपने शेडो देनी है टेक्स्ट में जिस ढंग से भी जैसी भी शेडो देनी है तो वहाँ से आप शेडो भी दे सकते हैं, ठीक है। उसी ढंग से नीचे एक ऑप्शन है आपका रिफ्लेक्शन का, तो रिफ्लेक्शन भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आपने टेक्स्ट को और भी अट्रैक्टिव बनाना है। और साथ ही में नीचे एक ऑप्शन होता है ग्लो का, एक आपने टेक्स्ट के पीछे अलग से ग्लो देना है तो वो भी आप दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आपका टेक्स्ट कितना अच्छा लिखा आ गया सिंपली इस ऑप्शन की मदद से, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन होता है आपका हाइलाइटर का, मतलब अगर आपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, अगर आप चाहते हैं कि जो आपका टेक्स्ट है मतलब आपने कोई लाइन लिखी है अगर आप किसी लाइन को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, उस लाइन को सिलेक्ट करना है और सिंपली आपने देखिए हाईलाइट का ऑप्शन है एरो की आगे दी गई है, इस पर क्लिक करेंगे तो जो उन सा भी कलर आप चूज़ करना चाहते हैं वो वाला कलर यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। अब लेट्स से हम यहाँ पे येलो कलर रखना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने येलो कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया तो ये वाला जो टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किया था वो हाईलाइट हो गया है। तो इस ढंग से आप हाईलाइट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये वाला हाईलाइट कलर आप हटाना चाहते हैं तो अगेन आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और आपने क्लिक किया नो कलर तो ये वाला जो हाईलाइट है वो हट भी गया है। तो इस ढंग से आप हाईलाइटर का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन होता है आपका यहाँ पे फॉन्ट कलर का। अब देखिए इस ये बहुत ही आसान ऑप्शन है, इसमें कि क्या करना होता है आपने कि अगर आपने किसी टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, अब लेट से हम यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला कलर चेंज करना चाहते हैं या हम चाहते हैं कि जो है हमने हेडिंग लिखी है इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने क्या किया, इस वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अब देखिए क्या होता है कि हम यहाँ पे फॉन्ट कलर पे क्लिक करेंगे तो जो भी कलर हम यहाँ पे देना चाहते हैं वो हम यहाँ पे कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही में जो जो कलर हमने रिसेंटली यूज़ किए हैं वो यहाँ पे भी आपको दिख जाएंगे। अब देखिए इतने ही कलर नहीं होते एमएस वर्ड में, आपको और ऑप्शंस भी दिए होते कलर के, जब आप यहाँ पे मोर कलर्स पे जाएंगे तो आप देखें यहाँ पे कलर्स के और ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो जो सा कलर आपने सिलेक्ट करना है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए आप कस्टम का भी ऑप्शन होता है जहाँ पे आप कस्टम कलर भी यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं, और अगेन आप प्रेस करेंगे ओके तो आप देखेंगे जो कलर है वो यहाँ पे आपका आ गया है, मतलब जो रिसेंट कलर है देखिए एक अलग से टैब बन गया है और ये वाला कलर यहाँ पे आ गया है, मतलब नेक्स्ट टाइम जब आपने कलर यूज़ करना तो आप यहाँ से डायरेक्टली ये वाला कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस ढंग से आप अपने फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो।
ठीक है। अब देखिए एक ऑप्शन यहाँ पे होता है, वो होता है आपका क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, मतलब जो भी आपने टेक्स्ट टाइप किया है अगर आप किसी फॉर्मेटिंग क्लियर करना चाहते हैं, मतलब जो भी हमने बोल्ड किया है, इटैलिक किया है या उसका कलर चेंज किया है, अगर आप चाहते हैं कि वो सिंपल फॉर्म में आ जाए, तो ये होता है आपका क्लियर फॉर्मेटिंग का। तो सिंपली आपने क्या करना है, इस क्लियर अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिससे भी फॉर्मेटिंग हटानी है ऑफकोर्स, और उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो आपका टेक्स्ट है वो नॉर्मल पोजिशन में आ गया है, और अगर हम अगेन कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो ये अगेन उसी पोजिशन में आ जाएगा। कंट्रोल जेड से आपको पता है अंडू होता है, मतलब एक स्टेप पीछे जो हमने किया था, ठीक है। तो इस ढंग से आप अंडू करके भी वैसे भी कर सकते हैं, अगर फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये होता है आपका फॉन्ट ग्रुप, जो मैंने आपको पूरा बता दिया हर एक ऑप्शन के बारे में कि कैसे कैसे यूज़ होता है। तो अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक और शेयर तो कर देना, साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि अब जो आगे वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ये आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी और आपको अच्छे अच्छे ऑप्शंस पता लगने वाले हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट मैं आपको ग्रुप बताने वाला हूँ वो होता है आपका क्लिपबोर्ड का, बिल्कुल फॉन्ट के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में ये होता है क्लिपबोर्ड का, और फर्स्ट ग्रुप ये वाला होता है। अब क्लिपबोर्ड में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शंस मिल जाएंगे और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको सीखने को भी मिलेंगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं क्लिपबोर्ड में ऑप्शंस दिए हुए हैं कट, कॉपी, पेस्ट, और साथ ही में यहाँ पे एक ऑप्शन है आपका फॉर्मेट पेंटर का। तो आइए समझ लेते हैं इन ऑप्शंस के बारे में। अब देखिए सिंपल होता है कट, कॉपी, पेस्ट। अब आपने किसी भी चीज़ को कट करना है, कॉपी करना है, तो वो आप इजीली कर सकते हैं। अब लेट्स से हमने जैसे जैसे नीचे यहाँ पे ये लिखा है, ठीक है, अब हम चाहते कि ये वाला टेक्स्ट है तो हम चाहते कि ये वाला टेक्स्ट यहाँ पे भी रहे और दूसरी जगह भी आ जाए, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे कॉपी और पेस्ट का। तो कॉपी करने के लिए हमने क्या करना है, अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जो भी हम कॉपी करना चाहते हैं, और उसके बाद क्लिपबोर्ड में, ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कॉपी का, इस पर क्लिक कर सकते हैं और या आप कंट्रोल सी भी प्रेस कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से। तो जैसे हमने कॉपी किया तो आप देखेंगे ये वाला पेस्ट का ऑप्शन यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है, तो जहाँ पे भी हम पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे अपना कर्सर लेके जाना है और सिंपली पेस्ट पे क्लिक कर देना है या कंट्रोल वी से भी पेस्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे ये वाला टेक्स्ट आपका यहाँ से कॉपी होके यहाँ पे पेस्ट हो गया है। अब सिमिलरली अगर आप चाहते कि ये वाला जो टेक्स्ट है, मतलब जो हमने 22 लिखा है नंबर, आप चाहते कि यहाँ से हट जाए और दूसरी जगह आ जाए, तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं कट, पेस्ट। तो कट पे हम जा सकते हैं, ठीक है, हम कट पे क्लिक करेंगे तो ये वाला टेक्स्ट यहाँ से हट जाएगा, या आप कंट्रोल एक्स भी प्रेस कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से, और जहाँ पे भी आप पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे जाके पेस्ट कर सकते हैं कंट्रोल वी से, या सिंपली आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। अब देखिए एक ऑप्शन होता है यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर का, मतलब अब अगर आप चाहते कि जो हमने फॉर्मेटिंग यहाँ पे करी थी, मतलब इस टेक्स्ट में, आप चाहते कि दूसरे टेक्स्ट में भी ये वाली फॉर्मेटिंग आ जाए, या हम चाहते कि ये वाली फॉर्मेटिंग हमारे टाइटल में आ जाए, तो या तो हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और सेम फॉर्मेटिंग करने की कोशिश करेंगे, तो ये बहुत टाइम लग जाएगा। तो फॉर्मेट प्रिंटर का कमाल ये है दोस्तों कि ये वाले टेक्स्ट की जितनी भी फॉर्मेटिंग है वो यहाँ से कॉपी कर लेगा, कॉपी करने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे पेस्ट कर देगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जिस टेक्स्ट के भी आपने फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है उसको सिलेक्ट करना है और सिंपली आपने फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक कर लेना है, तो ये होगी इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी। अब जहाँ पे भी आप चाहते हैं फॉर्मेटिंग पेस्ट करना, ठीक है, तो उस टेक्स्ट को आपने बाद में सिलेक्ट कर लेना है और छोड़ेंगे तो आप देखेंगे ये वाला टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग सेम हो गई है एज इट इज़। अब आप चाहते कि ये वाली सेम फॉर्मेटिंग मल्टीपल जगह पे आ जाए, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और इस बार आपने फॉर्मेट प्रिंटर पे दो बार क्लिक करना है। तो जैसे ही दो बार क्लिक करेंगे जहाँ जहाँ भी आप फॉर्मेटिंग ये चाहते करनी, ठीक है, वो वाला टेक्स्ट आपने सिलेक्ट कर लेना है तो वो वाली फॉर्मेटिंग आपकी आ जाएगी। लेट से अगर आप यहाँ पे चाहते हैं वो वाली फॉर्मेटिंग करने, यहाँ पे चाहते हैं, यहाँ पे चाहते हैं, तो ये वाली फॉर्मेटिंग आपकी यहाँ पे आती रहेगी। और अगर आपने फॉर्मेट प्रिंटर बंद करना है तो अगेन आप दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट प्रिंटर बंद हो जाएगा और आपकी जो कर्सर है वो अगेन नॉर्मल पोजिशन पर आ जाएगा। तो इस ढंग से आप फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो मैं आपको बताता हूँ वो होता है आपका पेस्ट का। अब पेस्ट के अंदर देखिए एक एरो की होती है, इसके अंदर होता है आपका पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल का क्या काम होता है। अब दोस्तों अगेन मैंने यहाँ पे पेस्ट स्पेशल और फॉर्मेट प्रिंटर की डिटेल में वीडियो बताई भी है कि इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं शॉर्टकट तरीके की मदद से, और साथ ही में अगर आपने इसको पूरा अच्छे ढंग से समझना है तो आप आई आइकन पे क्लिक करके या लिंक डिस्क्रिप्शन में देके इस ऑप्शंस के बारे में समझ सकते हैं। तो देखिए अब पेस्ट स्पेशल का मैं आपको बता रहा था कि आपने कैसे यूज़ करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, देखिए पेस्ट स्पेशल का यूज़ करने के लिए हमें किसी भी चीज़ को कट या कॉपी करना होगा तभी हम पेस्ट स्पेशल यूज़ कर सकते हैं। अब लेट्स से हम ये वाला टेक्स्ट है हमारा, ठीक है, हमने इसको क्या किया, सिलेक्ट कर लिया और इसकी थोड़ी सी हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। लेट्स से हम इसको कर लेते हैं बोल्ड, ठीक है, इसका कलर भी हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, ठीक है, लेट्स से हम इसका कलर रेड कलर कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको इटैलिक भी कर लेते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये वाला टेक्स्ट यहाँ से कॉपी हो जाए,
तो या तो हम राइट क्लिक करके उसको कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल सी प्रेस करके भी कॉपी कर सकते हैं, या यहाँ पे क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हैं। तो इसको हमने कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद अब हम चाहते हैं कि ये वाला टेक्स्ट हमारा यहाँ पे लिखा आ जाए, तो उसके लिए देखिए जब हम पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शंस मिल जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन होता है आपका कीप द सोर्स फॉर्मेटिंग, मतलब जैसा हमने कॉपी किया था वैसे ही हमने पेस्ट करना है तो वैसा ही यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। देखिए पेस्ट के नीचे ही नेक्स्ट ऑप्शन होता है आपका मर्ज फॉर्मेटिंग का। मर्ज फॉर्मेटिंग का क्या मतलब हुआ कि जैसे देखिए हमने मर्ज फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया तो ये वाला टेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ गया है। लेकिन देखिए जब मर्ज फॉर्मेटिंग से क्या होगा कि जो आपका टेक्स्ट है उसका जो फॉन्ट हमने कलर चेंज किया था वो तो नहीं आया, लेकिन हमने इसको बोल्ड बोल्ड और इटैलिक किया था तो वो बोल्ड और इटैलिक यहाँ पे आ गया है। तो इस ढंग से भी आप टेक्स्ट को मर्ज फॉर्मेटिंग के थ्रू पेस्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है ऑप्शन यहाँ पे देखिए पेस्ट एज पिक्चर, मतलब जब हम इस पे पेस्ट करेंगे तो जो हमारा टेक्स्ट हमने कॉपी किया था वो टेक्स्ट की फॉर्म में नहीं पेस्ट होगा बल्कि एक पिक्चर की फॉर्म में पेस्ट होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर की फॉर्म में हुआ, मतलब हम इसको एडिट नहीं कर सकते, सिंपली हम इसको पेस्ट कर सकते हैं और पिक्चर को यहाँ पे बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका मर्ज फॉर्मेटिंग एज पिक्चर। अब सिमिलरली जब हम यहाँ पे पेस्ट में जाएंगे जो लास्ट ऑप्शन होता है यहाँ पे, ठीक है, ये होता है आपका कीप टेक्स्ट, मतलब कि जो हमारे टेक्स्ट हमने कॉपी किया था ये वाला सिंपली ये टेक्स्ट होएगा, ना बोल्ड होगा ना इटैलिक होगा ना कलर इसमें कोई होगा, तो सिंपली ये क्या होगा, ये आपका टेक्स्ट सिंपली पेस्ट होगा। तो इस ढंग से आप ये यूज़ कर सकते हैं पेस्ट के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पेस्ट में यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन होता है आपका पेस्ट स्पेशल का, तो जैसे आप क्लिक करेंगे जो मैंने चार ऑप्शंस आपको पहले बताए थे वो चार ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इन ऑप्शंस का यूज़ करके आप इन ऑप्शंस को समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये होता है आपका क्लिपबोर्ड का। अब क्लिपबोर्ड में एक और इम्पॉर्टेंट बात है, देखिए जब हम यहाँ पे देखिए क्लिपबोर्ड पे यहाँ पे देखिए एक एरो की होती है, हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे क्लिपबोर्ड की यहाँ पे विंडो ओपन हो जाएगी। अब इस विंडो में देखिए जो जो हमने यहाँ पे कॉपी किया होगा वो यहाँ पे सारे आ जाएंगे। अब लेट से यहाँ पे देखिए एक टेक्स्ट है यहाँ पे जो हमने कॉपी किया था वो यहाँ पे आया हुआ है, अभी हम फिलहाल के लिए इसको कर लेते हैं यहाँ पे क्लियर ऑल। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये वाला टेक्स्ट जो हमने लिखा था ये वाला ये कॉपी हो जाए, तो इसके लिए हमने क्या किया, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ से कॉपी किया, तो आप देखेंगे ये वाला टेक्स्ट यहाँ पे आ गया है। अब हम चाहते हैं कि ये वाला नीचे वाला टेक्स्ट भी यहाँ पे कॉपी हो जाए तो हम कॉपी करेंगे तो ये वाला टेक्स्ट भी यहाँ पे आ गया है। वैसे ही आप चाहते हैं कि ये वाला पूरा पैराग्राफ, ठीक है, ये वाला पूरा पैराग्राफ यहाँ से कॉपी हो जाए तो हमने इसको सिलेक्ट किया और अगेन हमने इसको किया कॉपी तो ये वाला पैराग्राफ यहाँ पे भी क्लिपबोर्ड में आ गया है। अब आप इसको क्लिपबोर्ड की मदद से अलग अलग लोकेशन पे पेस्ट कर सकते हैं एक साथ। अब आप चाहते हैं कि पहले ये वाला पैराग्राफ आ जाए, ठीक है, उसके नीचे हमारा 22 लिखा आ जाए और उसके नीचे हमारा फॉर्मूला लिखा आ जाए, मतलब H2SO2, तो आप क्विकली यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। तो इस ढंग से आप क्लिपबोर्ड ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। तो आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शंस और जो कि नेक्स्ट ग्रुप जो कि होता है आपका पैराग्राफ, जिसके थ्रू आप अपनी पैराग्राफ की सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे फॉन्ट का ग्रुप होता है, ठीक है, अगर आपने फॉन्ट के ग्रुप के अंदर जो भी ऑप्शंस है इसका डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो देखिए एरो की होती है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जहाँ से आप डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं जो ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है सेट एज डिफॉल्ट का, मतलब इससे क्या होता है कि जो भी आपने यहाँ पे फॉर्मेटिंग सेट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगर आप इसको सेट एज डिफॉल्ट कर देंगे तो वही वाली फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी जब आप नेक्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे या इसी डॉक्यूमेंट में कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। तो आपने ध्यान रखना है कि जो भी आप फॉर्मेटिंग यहाँ कर रहे हैं उसको सेट एज डिफॉल्ट सेट ना ही करें तो बेटर है, आपने फॉर्मेटिंग आपने बाय डिफॉल्ट जैसी पहले थी वैसे ही रहने देनी है, नहीं तो आपकी पेज की सेटिंग या आपका वर्ड का जो फॉर्मेटिंग का डॉक्यूमेंट है वो चेंज हो सकता है। तो मैंने अभी इसको सेट एज डिफॉल्ट नहीं किया है। और इस फॉन्ट डायलॉग्स को ओपन करने के लिए आप या कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल डी, तो ये वाला फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स भी ओपन हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं, या आप इस एरो की के ऊपर क्लिक करके ये वाला फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको समझाता हूँ नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जो कि आपका नेक्स्ट ग्रुप वो होता है आपका पैराग्राफ। अब देखिए क्लिपबोर्ड के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है वो होता है आपका पैराग्राफ का। अब पैराग्राफ में भी आप इसको ऑप्शंस को यूज़ करके अपने पैराग्राफ की सेटिंग या अपने वर्ड की डॉक्यूमेंट की सेटिंग बहुत ही ईजिली कर पाएंगे। अब देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन होता है यहाँ पे बुलेट्स का है, ठीक है, अब बुलेट्स में देखिए जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बुलेट्स यहाँ पे नज़र आ जाएंगे जो बुलेट्स आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसको लगाने के लिए देखिए दो तरीके होते हैं, अगर आप इस लिस्ट में सारों में बुलेट्स लगाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, सिंपली अपनी लिस्ट को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे देखिए यहाँ पे जाना है बुलेट्स में और जो उनसे बुलेट आप लगाना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो वाला बुलेट आपका यहाँ पे लग जाएगा। वैसे आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं जो बुलेट आप चाहते हैं।
चाहते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने अपना ही कोई बुलेट लगाना है या आपका प्री डिफाइंड कोई बुलेट है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन होता है आपका डिफाइनर न्यू बुलेट का। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे भी आप बुलेट लगाना चाहते हैं वहाँ से आप लगा सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन ऑप्शन है, एक है आपका सिंबल का, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स है जो आपके कंप्यूटर में होते हैं, जो आपके फॉन्ट्स में होते हैं, वो यहाँ से आप सिलेक्ट करके वो बुलेट भी लगा सकते हैं। अब लेट से अगर आप चाहते हैं कि हम ये वाला बुलेट लगाना चाहते हैं और प्रेस करते हैं ओके, ठीक है, तो आप देखेंगे ये वाला बुलेट यहाँ पे लग गया है, और प्रेस करेंगे ओके तो आपके बुलेट्स यहाँ पे लग जाएगा। और जैसे हम यहाँ पे बुलेट्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये बुलेट जो हमने रिसेंटली यूज्ड है वो यहाँ पे भी आ जाएगा और डॉक्यूमेंट बुलेट में यहाँ पे भी आ जाएगा। वैसे हम डिफाइंड बुलेट्स में पिक्चर का यूज़ भी कर सकते हैं, तो जैसे हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो ये आपके कंप्यूटर से जो भी आपने पिक्चर्स होंगी जो आपने लगानी है, लेट से हम यहाँ पे फ्रॉम अ फाइल कर लेते हैं, ठीक है, और जो भी आपके कंप्यूटर में पिक्चर होगी वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। लेट से मैं यहाँ पे अपनी पिक्चर ही लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ इमेजेस में जाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये वाली पिक्चर लग जाए, और प्रेस कर लेता हूँ इंसर्ट, तो आप देखेंगे ये वाली पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो गई है। ओके प्रेस करूँगा तो ये पिक्चर हमारी यहाँ पे लग गई है। वैसे ये पिक्चर देखिए यहाँ पे भी आ गई है। वैसे डिफाइन अ न्यू बुलेट में अगेन हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जिनके थ्रू आप अलाइनमेंट्स भी सेट कर सकते हैं। सेंटर करा तो सेंटर आ जाएगा, राइट करा है तो राइट भी ये वाले बुलेट्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस ढंग से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं बुलेट्स की। अब जो नेक्स्ट वे है बुलेट इंसर्ट करने का, वो है कि अगर आपने बुलेट्स इंसर्ट करने हैं अपने लिस्ट में, लेट्स से कि हम चाहते हैं कि पहले ही कोई बुलेट आ जाए, तो हम क्या करते हैं अपनी लिस्ट को यहाँ पे हमने डिलीट कर लिया है। डिलीट करने के बाद अब हम चाहते हैं कि ये वाला बुलेट हम लगाना चाहते हैं, तो इस पर हमने क्लिक कर लिया तो आप देखेंगे ये बुलेट यहाँ पे आ गया है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमने लिस्ट टाइप करें, लेट्स से हम यहाँ पे लिखा राम, एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे नेक्स्ट बुलेट आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम जैसे जैसे टाइप करते रहेंगे वैसे वैसे बुलेट्स आपके ऑटोमेटिकली लगते रहेंगे, और इस ढंग से आप बुलेट्स भी लगा सकते हैं। तो आई होप आपको पता लगे हो बुलेट्स के बारे में। एक बुलेट्स की मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है दोस्तों, तो वो वीडियो देख सकते हैं आप कि शॉर्टकट की मदद से आप बुलेट्स कैसे लगा सकते हैं और बुलेट्स को लगाने के नए नए स्टाइल्स, ठीक है, तो वो वीडियो भी मैं दे दूंगा आई आइकन में, साथ ही में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं अगर बुलेट्स को आपको डिटेल में समझना है। अब देखिए इसके बाद एक ऑप्शन होता है आपके नंबर बुलेट, ठीक है, नंबरिंग, अगर आप चाहते हैं कि बुलेट्स नंबरिंग की फॉर्म में आए तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद जो भी नंबर की फॉर्म में आपको बुलेट चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे जो हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया था वो बुलेट्स की फॉर्म में आ गया, मतलब नंबर बुलेट्स की फॉर्म में आ गया, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। अब जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हैं, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट के साथ है, ABC है, ठीक है, ये रोमन फॉर्म में है। तो जैसे भी आप चाहते हैं बुलेट्स वैसे आप बुलेट्स नंबरिंग की फॉर्म में लगा सकते हैं। उसी ढंग से देखिए एक नेक्स्ट ऑप्शन होता है आपका, वो होता है आपका मल्टी लिस्ट बुलेट्स। अब इसमें क्या होता है, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे मल्टी लेवल्स हैं, मतलब एक के साथ एक, मतलब आप चाहते हैं कैटेगराइज करना अपनी लिस्ट को तो वो भी आप कर सकते हैं इसके थ्रू। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे करना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये वाली लिस्ट यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और ये वाला बुलेट भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब हम लिखते हैं लेट्स से यहाँ पे, हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्लास फर्स्ट, ठीक है, और इसके अंदर हम चाहते हैं कि क्लास फर्स्ट में जितने भी नाम हो, लेट्स से राम, ठीक है, विनोद, तो हम क्या कर रहे हैं टैब प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम क्लास वन के अंदर चाहते हैं ये सारे नाम, तो हमने टैब प्रेस किया, ठीक है, तो क्लास के अंदर हमने लिख दिया राम, विनोद और मीनाक्षी, ठीक है। अब एंटर किया, अब हम चाहते हैं कि क्लास टू में जो जो हमारे नाम है वो हम यहाँ पे लिख लें, लेट्स से उमेश और रमेश, ठीक है। तो हमने क्या किया दोस्तों, हमने क्या किया कि क्लास वन टाइप करा, ठीक है, और उसके बाद हमने टैब प्रेस किया और इसके अंदर हमने ये वाले नाम लिख लिए, वैसे क्लास टू में, और क्लास टू में यहाँ पे टैब प्रेस किया और इसके अंदर यहाँ पे नाम लिख लिए। अब हम चाहते हैं कि इसमें बुलेट्स लगाना, तो हमने क्या किया सबको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मल्टी लेवल बुलेट्स में गए, ठीक है, मल्टी लेवल बुलेट्स में जाने के बाद जो भी आपने बुलेट यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग मल्टी लेवल लिस्ट है, लेट्स से हम यहाँ पे देखिए फर्स्ट है और उसके अंदर मल्टी लेवल लिस्ट एक ही है, इसके अंदर देखिए इस फॉर्म में मल्टी लेवल लिस्ट है, तो जो भी आपने मल्टी लेवल लिस्ट सेलेक्ट करनी है वो सिलेक्ट कर लेनी है। तो आप देखेंगे जो बुलेट है क्लास वन उनके अंदर अलग कैटेगराइज हो गए हैं और जो उसके अंदर थे वो अलग कैटेगराइज हो गए हैं। वैसे आप लिस्ट को चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, जैसे लिस्ट चाहते हैं वैसे लिस्ट आपकी यहाँ पे आ जाएगी। अब इन लिस्ट की जो एडजस्टमेंट है वो रूलर की मदद से कर सकते हैं, रूलर की भी वीडियो मैंने बनाई हुई है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं कि आपने बुलेट्स की एडजस्टमेंट कैसे करनी है रूलर की मदद से। तो आई होप फ्रेंड्स आपको पता लग गया हो बुलेट्स के बारे में। अब एक चीज़ और मैं आपको बुलेट्स के बता दूँ कि ये तो हमने देखिए लिस्ट में यहाँ पे टाइप किया बुलेट्स, अगर आप पैराग्राफ में बुलेट्स लगाना चाहते हैं तो वो आप कैसे लगाएंगे, तो इसके लिए हम देखिए एक फॉर्मूला यहाँ पे टाइप कर लेते हैं रैंडम फंक्शन का जो हमने पहले लगाया था, जिससे कि जो हमारे पैराग्राफ यहाँ पे इंसर्ट हो जाए।
अब हम चाहते हैं कि इन पैराग्राफ्स में बुलेट्स लग जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जिन जिन पैराग्राफ में आपने बुलेट्स लगाने हैं वो सिलेक्ट कर लेने हैं, और आप चाहते हैं कि पैराग्राफ्स के आगे नंबर आ जाए, तो हमने यहाँ पे नंबर बुलेट सेलेक्ट कर लिया और ये वाला सेलेक्ट कर लिया। तो आप देखेंगे अलग अलग पैराग्राफ्स के आगे अलग अलग यहाँ पे बुलेट्स लग गए हैं। तो इस ढंग से आप बुलेट्स का यूज़ कर सकते हैं पैराग्राफ की फॉर्म में भी। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन होता है आपका इंडेंटेशन का। इंडेंटेशन का ऑप्शन देखिए नेक्स्ट होता है, एक होता है आपका डिक्रीज इंडेंट और दूसरा होता है आपका इंक्रीज इंडेंट। इसका मतलब क्या होता है कि जो आपने पैराग्राफ या टेक्स्ट लिखा है वो आपको अपने मार्जिन से कितना दूरी पे चाहिए। अब अगर आप यहाँ पे देखिए क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया लेफ्ट मार्जिन से इस साइड, ठीक है, मतलब राइट मार्जिन की तरफ चला गया। तो ये होता है आपका इंक्रीज इंडेंट। और इसी ढंग से आप डिक्रीज इंडेंट करेंगे तो आप देखेंगे जो रूलर की पोजीशन है यहाँ पे मूव होगी और जो आपका टेक्स्ट है उसी पोजीशन से शुरू होएगा जहाँ से आप चाहते हैं। तो इस ढंग से आप टेक्स्ट के एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन होता है वो होता है अलाइनमेंट्स का, मतलब जो आपका टेक्स्ट है उसको अलाइनमेंट आप कैसे चाहते हैं। अब अलाइनमेंट्स देखिए चार तरीके की होती है, एक होता है आपका लेफ्ट अलाइन, ठीक है, और एक होता है आपका सेंटर, राइट, और ये होता है हमारा जस्टिफाई। तो आइए बारी बारी से मैं आपको अलाइनमेंट्स के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए फर्स्ट अलाइनमेंट होती है आपकी लेफ्ट अलाइन। लेफ्ट अलाइन का मतलब होता है जो आपका टेक्स्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड से अलाइन है, राइट हैंड साइड से अलाइन नहीं है, मतलब एक लाइन में नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट है ये लेफ्ट हैंड साइड से अलाइन है। अब एक होता है आपका यहाँ पे सेंटर अलाइन। सेंटर लाइन का मतलब क्या होता है कि जो आपका टेक्स्ट है वो दोनों साइड से अलाइन नहीं है। तो आइए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे ये वाला टेक्स्ट हमारा सेंटर में आ गया कि दोनों साइड से अलाइन नहीं है, मतलब दोनों साइड से इक्वल नहीं है। तो सेंटर लाइन की शॉर्टकट की होती है हमारी कंट्रोल ई, और लेफ्ट अलाइन की शॉर्टकट की होती है हमारी कंट्रोल एल, ठीक है। तो आप शॉर्टकट की मदद से भी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। इसी ढंग से देखिए नेक्स्ट ऑप्शन होता है आपका राइट अलाइन का। अब राइट अलाइन से क्या होगा कि जो हमारा टेक्स्ट है वो राइट हैंड साइड से अलाइन होगा और जो लेफ्ट हैंड साइड से अलाइन नहीं होगा, ठीक है। और जस्टिफाई का मतलब क्या होगा, जो टेक्स्ट है हमारा दोनों साइड से अलाइन होगा, मतलब राइट हैंड साइड से भी, लेफ्ट हैंड साइड से भी। तो इस ढंग से आप जो जस्टिफाई ऑप्शन से भी अपनी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो राइट हैंड साइड अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है हमारी कंट्रोल आर होती है, ठीक है, और जो जस्टिफाई की शॉर्टकट की होती है वो होती है हमारी कंट्रोल जे। तो इस ढंग से आप अलाइनमेंट, चार अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट की। अब नेक्स्ट होता है आपका यहाँ पे लाइन स्पेसिंग का। अब लाइन स्पेसिंग मतलब जो आपने टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे, ठीक है, इनके बीच में आपको कितनी स्पेसिंग चाहिए, तो वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो अलग के अलग अलग स्पेसिंग है, तो जो आप स्पेसिंग ज़्यादा करते रहेंगे तो लाइंस के बीच में ज़्यादा गैप आता रहेगा, कम करते रहेंगे तो लाइंस के बीच में कम गैप आता रहेगा। तो अभी देखिए हमने 1.5 सेलेक्ट करी तो 1.5 की यहाँ पे स्पेसिंग आ गई है। इसी ढंग से देखिए यहाँ पे लाइन स्पेसिंग के और ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी देखिए लाइन स्पेसिंग ये है बिफोर एंड आफ्टर, यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज आप स्पेसिंग कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन होता है आपका यहाँ पे देखिए लाइन स्पेसिंग के बाद, ये होता है आपका शेडिंग का, कि आप जो टेक्स्ट आपने लिखा है उसमें शेडिंग आप कैसी देना चाहते हैं, मतलब बैकग्राउंड का कलर, ठीक है। तो लेट्स से हम ये वाली शेडिंग देना चाहते हैं, तो आप देखेंगे जो आपके टेक्स्ट का बैकग्राउंड का कलर है वो चेंज हो गया जैसे हमने शेडिंग करी थी। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है, अब अगर आपने दोबारा इस ऑप्शन को अगेन आपने नो कलर कर दोगे तो ये शेडिंग यहाँ से हट जाएगी और दोबारा ही वैसी टेक्स्ट आ जाएगा जैसा ये था। अब जो नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है वो है आपका बॉर्डर्स का, कि अगर आपने टेक्स्ट में बॉर्डर्स लगाने हैं, ठीक है, तो आप बॉर्डर्स यहाँ पे लगा सकते हैं। अब लेट्स से अगर आपको चाहिए बॉटम बॉर्डर तो देखिए बॉटम में बॉर्डर आ जाएगा, अगर आपको चाहिए टॉप पे तो टॉप पे बॉर्डर आ जाएगा। लेफ्ट और राइट का भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सारे बॉर्डर्स चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके इन बॉर्डर्स आप लगा सकते हैं अपने टेक्स्ट में और अपने टेक्स्ट को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अब देखिए एक ऑप्शन होता है आपके यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन का, ठीक है। अब इसके लिए हम यूज़ करना होगा हमें टेबल्स का, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए टेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं अपनी ईजिली अपने टेक्स्ट में। तो आइए इसको समझाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो टेक्स्ट है, ठीक है, इसमें से बॉर्डर यहाँ पे मैं रिमूव कर देता हूँ। तो इससे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नो बॉर्डर कर देता हूँ, तो ये हमारा बॉर्डर यहाँ से हट गया है। और हमने दोबारा यहाँ पे देखिए टेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे जाता हूँ ड्रॉ टेबल। तो जैसे मैंने ड्रॉ टेबल पे क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पे पेंसिल की फॉर्म में यहाँ पे आ गया है कर्सर। तो जहाँ से हमें टेबल चाहिए वहाँ से मैंने क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग किया तो जितना भी टेक्स्ट है वो टेबल की फॉर्म में यहाँ पे आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे अब हम, ठीक है, इसमें अपनी और बॉर्डर्स भी लगा सकते हैं। लेट्स से अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे डायगनल बॉर्डर आ जाए तो आप देखेंगे यहाँ पे डायगनल बॉर्डर आ गया, डायगनल राइट या लेफ्ट जो भी आपको चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ से अलग अलग ऑप्शंस आप एक्सेस कर सकते हैं जैसा आप चाहें। वैसे देखिए टेबल्स की भी मैंने वीडियो बनाई हुई है तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं अगर आपने टेबल समझने हैं कि टेबल्स का यूज़ आपने कैसे कैसे करना है, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। तो अभी मैं यूज़ करता हूँ कंट्रोल जेड और इसको अपने टेक्स्ट को नॉर्मल पोजिशन में ले आता हूँ। तो आई होप आपको पता लग गया बॉर्डर्स के बारे में कि आपने कैसे यूज़ करना है।
अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन होता है आपका सॉर्टिंग का। अब सॉर्टिंग आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए देखिए हम एक लिस्ट टाइप कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे देखिए चार फ्रूट्स के नाम लिख लिए। अब हम चाहते हैं कि ये वाले जो फ्रूट्स हैं ये सॉर्टिंग हो जाए अल्फ़ाबेट वाइज, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे सॉर्टिंग का ऑप्शन। तो जैसे हम यहाँ पे देखिए सॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि जो आपने सॉर्ट करने हैं पैराग्राफ किसके अकॉर्डिंगली सॉर्ट करने हैं, ठीक है। तो हमने सॉर्ट करने देखिए यहाँ पे टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, असेंडिंग फॉर्म में चाहिए डिसेंडिंग में, तो हमें चाहिए असेंडिंग में, ठीक है। और ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे एप्पल हमारा ऊपर आ गया, देन बी आ गया, देन एम आ गया, फिर पी आ गया। तो इस ढंग से आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। वैसे हम नंबर्स की फॉर्म में भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। लेट्स से अगर हमने यहाँ पे नंबर्स लिख लिए 20, 51, ठीक है। अब आपने इसको सॉर्टिंग करनी है, आप चाहते हैं कि ये नंबर्स की फॉर्म में सॉर्टिंग हो जाए। तो हमने क्या किया, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अब हम जाते हैं यहाँ पे सॉर्टिंग पे और इस बार हम कर लेते हैं यहाँ पे नंबर। देखिए नंबर खुद ही लिखा आ गया, प्रेस कर लिया ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पे नंबर्स की फॉर्म में यहाँ पे सॉर्टिंग हो गई है। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन होता है आपका यहाँ पे शो एंड हाइट का, मतलब जहाँ जहाँ आपने पैराग्राफ में एंटर प्रेस किया हो, स्पेस प्रेस किया हो, वहाँ वहाँ वो आपको मार्क नज़र आ जाएगा। तो इसके लिए जैसे आप देखेंगे यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये वाले निशान आपको नज़र आ जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इस मार्क का मतलब क्या हुआ कि इस मार्क के बाद हमने एंटर प्रेस किया है, ठीक है। यहाँ पे हमने बुलेट्स का यूज़ किया है, स्पेसेस का यूज़ किया है, ठीक है। तो ये सारी आपको फॉर्मेटिंग के लिए हेल्प करेगी अगर आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग में देखना चाहते हैं कि आपने कहाँ कहाँ एंटर प्रेस किया है। और अगेन आप यहाँ पे रिमूव करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये रिमूव भी हो जाएगा। और इसकी शॉर्टकट की जो शो एंड हाइट की होती है वो होती है आपकी की कंट्रोल शिफ्ट और 8, मतलब आप कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और 8 प्रेस करेंगे तो ये वाला जो ऑप्शन है एक्टिवेट हो जाएगा, और दोबारा प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और 8 तो ये वाला ऑप्शन डीएक्टिवेट भी हो जाएगा। तो आप शॉर्टकट की मदद से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन होता है आपका स्टाइल्स का। तो स्टाइल से आप डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स अपना कॉपी कर सकते हैं या अपने टेक्स्ट को दे सकते हैं। लेट्स से अगर आप इस वाले टेक्स्ट में अलग अलग स्टाइल्स अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डिफरेंट स्टाइल्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जैसा आप चाहें। तो देखिए एरो की भी यहाँ पे दी होती है, तो इस एरो की मदद से जो स्टाइल आपको चाहिए वो स्टाइल आप यहाँ पे लगा सकते हैं ऑटोमेटिकली। तो आप देख सकते हैं आप इस ढंग से स्टाइल्स का ग्रुप का ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है आपका फाइंड और रिप्लेस का, मतलब अगर आपने टेक्स्ट में अपने ढूंढना है कि कोई भी वर्ड, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे फाइंड का। तो आप क्या करेंगे, फाइंड पर क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने से पहले आपने ध्यान रखना है कि जो आपके टेक्स्ट की कर्सर की पोजीशन है वो टॉप पे होनी चाहिए, ठीक है। और या आप कंट्रोल F भी प्रेस कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से। तो हमने क्या किया दोस्तों, हमने प्रेस किया कंट्रोल F, ठीक है। तो फाइंड का यहाँ पे देखिए ऑप्शन खुल गया है। अब हम चाहते हैं कि अपना अपने जो डॉक्यूमेंट में उसमें देखें कि लुक हमने कहाँ कहाँ लिखा है। तो आप देखेंगे ये वाला टेक्स्ट यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा जहाँ जहाँ हमने लुक का यूज़ किया है। तो अभी फ़िलहाल देखिए यहाँ पे एक ही जगह हमने यहाँ पे लुक का यूज़ किया है। यह हम चाहते हैं कि हमने अपने टेक्स्ट में हम देखते हैं लेट्स से हमने पेस्ट का यूज़ कहाँ कहाँ किया है। तो हमने यहाँ पे देखिए पेस्ट लिखा, तो आप देखिए यहाँ पे पेस्ट आ गया, बाकी जगह पेस्ट नहीं है। तो जहाँ जहाँ वर्ड्स होंगे वो यहाँ पे ये फाइंड कर लेगा, ठीक है। अब इसके बाद होता है आपका रिप्लेस का। तो जैसे हम इस पर रिप्लेस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि अगर आप चाहते हैं कि जो आपने फाइंड किया है पेस्ट को, आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं किसी और चीज़ से, मतलब किसी और टेक्स्ट से। लेट्स से हम चाहते हैं कि ये पेस्ट हमारा कॉपी से रिप्लेस हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पेस्ट हमारा यहाँ है। तो हमने क्या किया, इसको पहले किया फाइंड, तो आप देखेंगे पेस्ट हमारा यहाँ पे हाईलाइट हो गया, और इसको कर दिया रिप्लेस, तो आप देखेंगे ये वाला टेक्स्ट हमारा पेस्ट की जगह यहाँ पे हो गया कॉपी। और रिप्लेस की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है हमारी कंट्रोल एच, ठीक है। और इसके बाद हमारा होता है लास्ट ऑप्शन, वो होता है आपका सिलेक्ट का, कि आपने टेक्स्ट को कैसे सिलेक्ट करना है। अगर आपने टेक्स्ट को सारा सिलेक्ट करना है तो आप सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल ए से भी प्रेस कर सकते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है आपका सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का। तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि अगर आपकी कोई पिक्चर वगैरह इंसर्टेड है अपने डॉक्यूमेंट में, तो आप इस सिलेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन होता है आपका, ये वाला इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, मतलब अगर जो आपने टेक्स्ट में देखे, जो हमने यहाँ पे लिखा था, अगर हम करते हैं लेट से हम ये वाला टेक्स्ट है, ठीक है, इसको हम रेड कलर कर लेते हैं, ये वाला हम रेड कलर कर लिया हमने, ठीक है, इसको हमने रेड कलर कर लिया और इसको कलर हमने रेड कर लिया। अब हम चाहते हैं कि जो हमारे रेड कलर है वही हमारा सिलेक्ट हो जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने टेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट पे जाएंगे और करेंगे सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो जो जो हमने टेक्स्ट रेड कलर में लिखा था, मतलब सिमिलर फॉर्मेटिंग थी, वही ही टेक्स्ट हमारा यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है एक साथ। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और साथ ही में अगर आपको किसी भी ऑप्शन में डाउट हो तो वो भी आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका आपको ज़रूर जवाब देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।